प्रभा साक्षी के मन की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि आप पॉलिटिक्स में भाजपा से आगे अखिलेश यादव निकल चुके हैं। हम अयोध्या के जनता से पूछेंगे, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, अयोध्या के कोई विकास को लेकर क्या मानते हैं? अयोध्या आज के पहले मतलब भाजपा शासन के पहले उपेक्षित सी थी। जब से भाजपा का शासन आया है, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हुए हैं, तब से अयोध्या का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है और प्रभु से हमारी प्रार्थना है ये विकास होता रहे, जिससे अयोध्या वासियों और क्षेत्र की जनता या विश्व में अयोध्या का नाम बढ़ता रहे, प्रभु से ही प्रार्थना। लेकिन आज इस प्रकार से जो है विधानसभा की चुनाव की जो तैयारी है, तो क्या जो गठबंधन छोटे पार्टियों से गठबंधन किए जा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं भाजपा से अखिलेश यादव आगे निकल चुके हैं? देखने में तो ऐसा कुछ नहीं प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के दहने बाएं भी कोई लग रहा है। भाजपा जिस तेजी में और जिस संगठन, ये भाजपा जो संगठन है, जितना मजबूती से अपने को रोके हुए है राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी भावना को लेकर के, हमें नहीं लगता कि 10-5 दल इकट्ठा हो करके भी उसका कुछ कर पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो है लगातार जो अखिलेश यादव सरकार को लेकर पहले जो दावे किए गए और अब भाजपा की सरकार लगातार काम कर रही, आप क्या मान रहे हैं कि इस बार जो है गठबंधन को लेकर किसकी पार्टी आगे है? देखिए, गठबंधन तो बनते हैं, हर बार तो बनते हैं। सत्तारूढ़ दल के भी गठबंधन है, विपक्ष के भी गठबंधन है। मतदान के समय जनता का जो रुख रहेगा, तो उसमें मुझे तो लगता है परिवर्तन होगा, क्योंकि विकास केवल शहरी विकास है और शहर में भी जो आवश्यक है वो विकास नहीं हो रहा है, अयोध्या का ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो छोटे दल हैं और भाजपा और सपा को लेकर लगातार कहीं ना कहीं बीच में संघर्ष रहा है, लेकिन छोटे दल किसके साथ आप मान रहे हैं? छोटे दल छोटे लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, व्यापारियों के साथ, जो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, ये सारे लोग छोटे दलों को ही वोट करेंगे, उसी गठबंधन को करेंगे। सत्ता से खुश बहुत कम लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से अयोध्या में काम हो रहा है, भाजपा सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, इसके पहले सपा सरकार रही, कौन सी सरकार सबसे अच्छी रही जो काम लगातार जिसका हो रहा है? देखिए बंधु, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, तो हमको ये कहना है कि सरकार जो होती है वो चाहे जिस दल की हो, उसका जो प्रथम और प्रधान होता है कि वो जनभावना को समझे और जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करें। हम ये मानते हैं कि सरकारें इस काम को जानती हैं, वो कोई अज्ञान का मामला नहीं है। हाँ, यह है कूटनीति का मामला है, कभी कभी वो कूटनीति कुचाल तक पहुंचती है, तो वो हर हालत में हर पार्टी जो सत्ता में होती है वो बहुत सारे विकास कार्य जो है वो ऐसे करती है कि जिसमें उसको अपने राजनीतिक हित की चिंता बहुत करनी रहती है। लेकिन अब वो तो एक ऐसा मुद्दा है कि वो पहले भी रहा है, आज भी है, और हमें लगता है कि शायद लोकतंत्र का यही स्वरूप रहा तो ये आगे भी ऐसे ही रहेगा। मुख्य बात यह है कि इस समय अयोध्या में विकास कार्य अधिक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि इधर के 4-5 वर्षों में विकास कार्य बहुत हुए हैं। अब यह है कि योजनाओं को लागू करने में, उनको चलाने में है ना, और उनके पीछे जो तमाम तरह की फंडिंग और तमाम तरह के पद प्रतिष्ठा के मामले हैं, उसमें न्याय कहीं है, कहीं असंतोष भी है, क्षोभ भी है ना, वो चीज़ आप कहीं इंगित कर भी सकते हैं। लेकिन यह है कि हम ऐसा नहीं समझते हैं कि सरकार बिल्कुल अयोध्या के प्रति विमुख है, अभिमुख है, कायदे से अभिमुख है, यह है। तो जिस प्रकार से जो है सपा और भाजपा को लेकर जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो तैयारी, इसको लेकर कहीं ना कहीं सपा और भाजपा कहीं ना कहीं अब अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर छोटे गठबंधनों के साथ, छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। लेकिन आम जनता की माने तो जो विकास करेगा जनता उसी के साथ होगी। अयोध्या प्रभा साक्षी के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।